हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्यांत क्लासरूम। आज आम आलोचना करिबा भग्नांश संपर्क। भग्नांश कहिले जे कोनोसी वस्तु को भांगी सेथिरु प्रत्येक खंड को नेले ताहा भग्नांश रे परिणत हुए। संक्षेप रे भग्नांश रो अर्थ कोनोसी पूर्ण वस्तु रो भंगांश। एठारे मु गोटे वृत्त नैछि एवं ताहा को समान दुई भाग करिछि। सेथिरु आमे गोटिया अंश को नेले एक विभक्त दुई अंश बोली कहिबा। एठारे लब हेउछि एक, हर हेउछि दुई। एहा परे जानिबा भग्नांश रो प्रकार भेद संपर्क। भग्नांश को तीन भाग रे विभक्त करा जायछि। प्रथमटी हेउछि साधारण भग्नांश, द्वितीयटी दशमिक भग्नांश, तृतीयटी शतकड़ा भग्नांश। वर्तमान आमे साधारण भग्नांश संपर्क पढ़िबा। साधारण भग्नांश को तीन भाग रे विभक्त करा जायछि। प्रथमटी हेउछि प्रकृत भग्नांश, जे भग्नांश रो लब सान ओ हर बड़ ताहा को प्रकृत भग्न संख्या कहा जाय। उदाहरण एक विभक्त दुई, तीन विभक्त पांच, चार विभक्त सात इत्यादि। एहिपरि आमे अनेक प्रकृत भग्न संख्या गढ़ी पारिबा। द्वितीय रे अप्रकृत भग्नांश, जेउ भग्नांश रो लब बड़ ओ हर सान ताहा को अप्रकृत भग्नांश कहा जाए। उदाहरण चार विभक्त तीन, पांच विभक्त चार, तीन विभक्त दुई। एहिपरि मध्य आमे असंख्य भग्नांश गढ़ी पारिबा। तृतीय रे आसला मिश्र भग्नांश, एक पूर्ण संख्या ओ प्रकृत भग्न संख्या को नहीं गठित भग्नांश टी होची मिश्र भग्न संख्या। उदाहरण एक पूर्णांक दुई विभक्त तीन, दुई पूर्णांक दुई विभक्त पांच इत्यादि। एहिपरि आमे अनेक भग्नांश को गढ़ी पारिबा। यहार अर्थ मध्य होई पारिबो एक मिश्रण दुई विभक्त तीन एवं दुई मिश्रण दुई विभक्त पांच मध्य कही पारिबा, जहाकि एक पूर्णांक दुई विभक्त तीन रे परिणत हेब, द्वितीयटी दुई पूर्णांक दुई विभक्त पांच रे परिणत हेब। एहापरे आमे जानिबा भग्नांश रे प्रकाश। एठारे मु तीनोटी चित्र नेइछि एवं प्रथम चित्र रे चित्रटी को समान चारि भाग करिछि, सेथिरु गोटिए भाग को चित्रित करिछि। गोटिए चित्रित होइथिबा अंश को भग्नांश रे प्रकाश कले ताहा को एक विभक्त चारि बोली कहा जिवो, जहार अर्थ चारि समान भागरु एक भाग। द्वितीयटी मध्य सेहिपरि छ समान भाग करि सेथिरु दुई भाग को निया जायछि, ताहाकु छ समान भागरु दुई भाग बोली कहिबा। तृतीय चित्र रे चारि समान भाग करा जायछि एवं सेथिरु तीनोटी अंश को चित्रित करा जायछि, ताहाकु भग्नांश रे प्रकाश कले तीन विभक्त चारि बोली कहिबा, जहार अर्थ चारि समान भागरु तीन भाग। कोनोसी वस्तुर पूर्ण भागरु संपूर्ण अंश को नियागले ताहा एक रे परिणत हुए किंबा पूर्ण चित्र रे परिणत हुए। सेहिपरि मु एठारे चारि समान भाग करि सेथिरु चारि समान भाग को नेइछि, ताहा भग्नांश रे प्रकाश कले चारि विभक्त चारि, जहार अर्थ हेउछि एक। सेहिपरि तीनि समान भागरु तीनि भाग को नेले तीनि विभक्त तीनि सेसमान एक, पांच समान भागरु पांच भाग, पांच विभक्त पांच सेसमान एक। एहा परे जानिबा एकक भग्नांश संपर्क। जेऊ भग्नांश रो लब एक ताहाकु एकक भग्नांश कहा जाए। उदाहरण एक विभक्त तीन, एक विभक्त पांच, एक विभक्त सात। एहा परे आमे जानिबा भग्नांश रे बड़ सान निर्णय। एठारे मु दुईटी भग्नांश नेइछि, दुई विभक्त तीन ओ एक विभक्त तीन। एठारे लक्ष्य कले आमे जानिपारिबा जे दुईटी भग्नांश रे हर समान अछि। हर समान थाइ जेउ भग्नांश रे लब बड़ ताहा बड़ अटे ओ जहार लब सान ताहा सान अटे। एवं आउ दुईटी भग्नांश नेइछि जहार कि लब समान अछि, तेणु लब समान थाइ जेउ भग्नांश रे हर बड़ ताहा सान ओ जहार हर सान ताहा बड़ अटे। वीडियो टी भल लागिले लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करंतु। थैंक यू।